Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will take another recession on payroll. Now, as you already know, payroll generally used in every type of organization, such as business, firm, companies, everywhere. So, we need to take such a recession that cover all the basic points and to know how to use all the formulas. So this is a comprehensive question. So we will take each and every point very carefully. Now let's start with this question. From the following particulars, compute the salary of Mrs. X for the financial year 2018 to 19. That is from March 2018 to February 2019. So first point is for basic salary. Basic salary allows any basic salary in the pay scale of rupees 10,000 to 325, and last highest pay is 15,200. देखिए इसका basically meaning क्या होता है pay band का, that the basic salary is starting from 10,000 and the annual increment will be rupees 325, but the maximum amount of basic salary would be 15,200. Now next point is for DP, that is dearness pay, which will be 50% of basic salary. Now third one is D, that is dearness allowance, which is a composition of basic salary and dearness pay. So DA is basically declared after every 6 months in the month of April and October to be effective from July and January respectively. देखिए इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे समझना है. पूरे क्वेश्चन में जो मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट है वो यही है, फॉर द डेयरनेस अलाउंस. देखिए क्या बोल रहे हैं कि डीए जो है वो डिक्लेयर कब होगा, इन एवरी सिक्स मंथ्स. कब कब होगा वो डिक्लेयर? अप्रैल एंड अक्टूबर में. जो अप्रैल में डिक्लेयर होगा वो उसकी जो इफेक्टिव डेट होगी कब से होगी? जनवरी ऑनवर्ड से. ठीक है, और जो अक्टूबर में डिक्लेयर होगा उसका इफेक्टिव कब से होगा? जुलाई ऑनवर्ड से. क्लियर? नाउ the arrear of DA for the month of Jan to March and to July to September is paid along with the salary for the month of April and October. देख क्या बोल रहे हैं, जो DA का जो arrear मिलेगा Jan to March का कब मिलेगा? April में मिलेगा. ठीक है, एंड July to September का कब मिलेगा? October में मिलेगा. Then the DA rates with effect from January 2017 are given in DA rates as given below. क्या गिवन? देखिए ये टेबल आपको गिवन है. दिस ये क्या है? आपकी इफेक्टिव मंथ है. देखिए इसका मतलब क्या है, जनवरी 2017 से ये रेट अप्लीकेबल होगा, बट इसका अनाउंसमेंट कब करेंगे? अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2017 में इसको अनाउंस करेंगे कि जनवरी से ये रेट अप्लीकेबल होगा. क्लियर? एंड दिस इज जुलाई 2017. कब से अप्लीकेबल हो रहा है? जुलाई से. यानी इसकी अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन मंथ क्या होगी? अक्टूबर. ठीक है ना, तो कितना मिलेगा? 45%. सो ऐसे हम देखेंगे. नाउ फोर्थ पॉइंट इज मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम जैन टू दिसंबर इज डिपेंडेंट ऑन जॉइनिंग अ प्रमोशन डेट. दैट इज जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा वो डिपेंड किस पे करता है? जॉइनिंग प्रमोशन डेट है. यानी कि अगर गिवन होगा तो हम उस पर करेंगे, नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे हम? एजमिशन बेस पे हमें करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एचआरए. HRA is to be paid at 30% of basic plus DP to those whom HRA payable is yes. Okay. Now next point is for traveling allowance, which is to be paid at rupees 800 per month if basic salary is less than rupees 12,000. Otherwise TA will be 1,000. यानी कि देखिए TA कितना देंगे? 800 rupees per month देंगे. कब देंगे? अगर basic salary 5,000 से कम होगा, अगर एक्सीड हुआ तो कितना मिलेगा? 1,000 पर मंथ. ठीक है, देन CCA, दैट इज सिटी कंसेशनल अलाउंस, विच इज टू बी पेड एट रुपीज 3 पर मंथ इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन रुपीज 12,000, अदरवाइज CCA इज 500 पर मंथ. देन ग्रोस सैलरी इज ए सबमिशन ऑफ सैलरी एंड ऑल अदर अलाउंसेस. डिडक्शन क्या क्या होगी? GPF, दैट इज ग्रोस प्रोविडेंट फंड होगा,
which would be 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ रुपीज 2000। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्स फंक्शन, ठीक है। देन इनकम टैक्स कटेगा कितना, 10% ऑफ ग्रोस सैलरी। सो नेट सैलरी क्या होगी, ग्रोस माइनस ऑल द डिडक्शंस, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विच कवर ऑल द बेसिक पॉइंट्स, एंड इसी क्वेश्चन में हम सब सारे सारे जो सारे फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स टेक हाउ डज इट वर्क इन एक्सेल। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी मेड द बेसिक ड्राफ्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बनाया मैंने, बेसिक पे फॉर द मंथ ऑफ मार्च, सॉरी यहाँ पर आप 2018 है यहाँ पर, ठीक है। मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इस एचआर इस पेपर लिए नेट। देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक ही हुए, देखिए देखिए पूरे क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं है कि बेसिक पे बैंड, ये तो पता थी स्टार्टिंग यहाँ से है, एनुअल इंक्रीमेंट ये लास्ट ये, बट इस मंथ से यानी कि जो हम बनाएंगे मार्च 2018 से, वहाँ से जो पेमेंट इस डेट से इस मंथ से कौन सा पेमेंट है लगा वो अभी गिवन नहीं है। सो अगेन हम क्या करेंगे, एजम्पशन बेस पे करेंगे, ठीक है। तो एजम्पशन हम इस तरह से करेंगे कि अगर मान लीजिए 10,000 हुआ या 11,000 हुआ 12,000 हुआ, उसके बेसिस पे हम कहेंगे एक लिस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखेंगे, देखिए हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। पहले हम लिस्ट बनाते हैं मंथ की, ये मंथ की लिस्ट होगी। देन हम बनाएंगे बेसिक सैलरी की, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है वो 10,000 से, एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 325। तो क्या करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस 325, ओके। देन इसको हम ड्रैग कर देंगे, लास्ट कितना है इसका पेमेंट 15,200, तो वहाँ तक बनाएंगे हम, ठीक है। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। देखिए क्या भाई बेसिक पे क्या होगा पता नहीं हमें, तो कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन हम एक लिस्ट बनेंगे आप विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। कैसे करेंगे, देखिए आप इस सेल पे आइए, देन गो टू डेटा, यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, हम लिस्ट बनाएंगे। एंड द सोर्स, सोर्स क्या होगा, देखिए हमारा सोर्स क्या होगा बेसिक के लिए, हमारा दिस होल लिस्ट, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन प्रेस ओके, ठीक है। नाउ यू कैन सी वेरी वेल द लिस्ट इज डन, ओके। सो लेट सेलेक्ट हम कोई भी वैल्यू जो हम एजम कर लें, लाइक 14,225 हमने एजम कर लिया। सेम फॉर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, हमें पता नहीं कौन सा मंथ में होगा, तो इसके भी हम एक लिस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन बनाएंगे लिस्ट and select source that is all these months, then press ok, ok। now हम एक assumption कर लेते हैं कि मई हम सेलेक्ट करते हैं कि मई से जो है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ना इज एच आर इज पेबल और नॉट, तो हम क्या करेंगे इसके हम एक और लिस्ट बनाएंगे हम, लिस्ट यस और नो, ये लिस्ट बन गई, ठीक है। ये हमारी लिस्ट बन गई, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अमाउंट ऑफ जो इंक्रीमेंट है वो कितना है 325,
तो स्टार्ट करते हैं, देखिए बेसिक से। देखिए बेसिक क्या होगा, फर्स्ट बेसिक देखिए यही होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, देखिए देखिए हमें बेसिक के धर्म में, जब हम बेसिक हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से मंथ में जो है अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट कब ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इफ इफ मंथ इफ दिस मंथ इज इक्वल टू मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज दिस, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। प्रीवियस सेल में हम अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, सेम प्रीवियस, ठीक है, नाउ बैक क्लोज प्रेस एंटर, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होगा, इफ दिस मंथ इज इक्वल टू द मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है, तो क्या होगा, प्रीवियस मंथ में अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा, अदरवाइज द सेम अमाउंट वुड बी रिमेंस, जो प्रीवियस मंथ का जो बेसिक है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके ड्राइव डाउन करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें हमें एक तो बी टू को फिक्स करना पड़ेगा बाय एडिंग डॉलर साइन। आप यहाँ पर जो F4 प्रेस करके कर सकते हैं, मेरे यहाँ पर जो थे कि लैपटॉप की की खराब है तो मेरे को ऐड करना पड़ रहा है, तो B7 नहीं होगा, H4 होगा, देखिए यहाँ पर डॉलर साइन यहाँ पर भी होगा, इसको भी फिक्स करेंगे, ठीक है, नाउ प्रेस एंटर एंड देन इसको ड्रैग करेंगे। अब देख सकते हैं कि मई से देखिए दिए ये एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। आप देखिए चेक कर सकते हो, अगर मान लीजिए मैं इसको 7 कर सकता हूँ तो देखिए वो यहाँ से अपने एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैं दिसंबर देखें, वो दिसंबर से अप्लाई हुआ, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने मई लिया था, अभी हम मई ले लेते हैं, ओके। नाउ कम टू DP, दैट इज DNS पे, देखिए DNS पे कितना था, दैट इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। देखिए बेसिक सैलरी कितने, 14 to 25, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में आएगा। सो हम जब हम पॉइंट में आते हैं क्या यूज़ करते हैं, राउंड फंक्शन, इक्वल टू राउंड 50% ऑफ बेसिक विच इज़ B7 एंड राउंड हमें कंपेयर करते करना टू 0 decimal place, देन बस प्रेस एंटर करेंगे, देन ड्रॉप डाउन। नाउ कम टू DA पार्ट, देखिए DA के हमें इस टेबल की नीड होगी, इस टेबल की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक्सेल शीट में इस टेबल को बना ही लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं इफेक्टिव मंथ कहाँ किसने, देखिए Jan 2017, देन July 2017, Jan 18, July 18 एंड देन Jan 19, अब इफेक्टिव रेट देखिए, रेट क्या क्या है, 35% 45% 35%, 45%, 51%, 58%, आई गेस, एंड लास्ट वन है 65%। चेक कर रहे थे एक बार, 35, 45, 51, 58, 65, यस, ठीक है। सो दिस विल बी द इफेक्टिव रेट, ठीक है। अब हम साथ में देखिए इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिव्यू अब लिख देते हैं कि डिक्लेरेशन डिक्लेयर कब होगा। सो डिक्लेयर्ड मंथ
देखिए कब कब ये डिक्लेयर होगा, अप्रैल में होगा, अप्रैल 2017 में होगा, ये कब होगा, अक्टूबर 2017 में, देन सेम अप्रैल 18, अक्टूबर 18 एंड देन अप्रैल 19। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। देखिए डीए, देखिए डीए किस बेसिस पे आपका बेसिक प्लस डीए पे हो गया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, राउंड क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, इक्वल टू राउंड बेसिक प्लस डीपी। डीपी देखिए कौन सा सेल आपका, C7। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम डी रेट मल्टीप्लाई बाई डी रेट। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए डी रेट कौन सा अप्लीकेबल होगा, यहाँ पर आप किसके लिए देख रहे हैं, मार्च 18 का। देखिए मार्च 18 में, देखिए डिग्री कब होता है, अप्रैल एंड अक्टूबर में। ठीक है, अगर हम मार्च का देख रहे हैं तो दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में नया डीए रेट एप्लीकेबल होगा। तो दैट मीन्स मार्च में जो अभी प्रीवियस वाला जो है रेट एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस वाला, तो मार्च से पहले कब डिक्लेयर हुआ था, कब डिक्लेयर हुआ था, अक्टूबर में। तो इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, दिस वन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, 45 से। ठीक है, राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस, नाउ प्रेस एंटर। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए हम कौन से मंथ का निकाल रहे हैं, हम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट मंथ न्यू डी रेट विल बी अनाउंस्ड। ओके, तो यहाँ पर मार्च 18 में दैट मीन्स प्रीवियस जो जब डिक्लेयर किया था उस हमें देखना है कब डिक्लेयर किया था, अक्टूबर 2017 में लास्ट डीजे डिक्लेयर किया था, जो कि कितना था, 45%, हमें वही लेना है। ठीक है, तो वो कितना था, 45%। अब देखिए हम कहाँ आएंगे, अप्रैल में। अब अप्रैल में से तो नया डी रेट अप्लीकेबल होगा, तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू राउंड बेसिक प्लस डीए डीपी सॉरी विच इज C8 मल्टीप्लाई बाय न्यू डी रेट। देखिए न्यू डी रेट कितना है था आपका, 45 तो मैंने ले लिया, नेक्स्ट क्या होगा, 51%। ओके, एंड देन राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस विल बी दी डी ए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखिए ये डी रेट तो देखिए सेम अप्लीकेबल होगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इसको हम आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो ये रहा तो एप्लीकेबल का सब में। तो देखिए हमें कुछ वैल्यू हमें फिक्स करनी पड़ेगी, क्या फिक्स करना पड़ेगा हमें, R4 हमें फिक्स करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डॉलर का साइन हम लगा देते हैं R4 एंड देन इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे टिल सितंबर। ओके, नाउ कम टू अक्टूबर। अब अक्टूबर में हमें फिर से नया डिग्री टेबल अप्लाई करूँगा, सो इक्वल टू राउंड डबल ब्रैकेट बेसिक प्लस डीपी दैट इज C14 मल्टीप्लाई बाय न्यू डी एर ए विच विल बी 58% एंड राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस ब्रैकेट क्लोज। सो अगेन वी नीड टू फिक्स अप द डी रेट दैट इज R5 एंड देन इसको हम लास्ट तक करेंगे ड्रॉप डाउन। ओके, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से नया डी रेट एप्लीकेबल हुआ है।
नाउ कम टू नेक्स्ट कॉलम दैट इज डी एरियर। देखिए डी ए एरियर के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या आप लिखा देंगे, द एरियर्स ऑफ डी ए फॉर द मंथ ऑफ जैन टू मार्च एंड जुलाई टू सेप्टेम्बर इज पेड अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी कि जो जैन टू मार्च का जो एरियर कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें आपका, देखिए फॉर्मूला देना से, देखिए हमें एरियर कब मिलेगा, अप्रैल अक्टूबर में। तो यहाँ पर इसको हम पहले हम हाईलाइट कर देते हैं, एक तो अप्रैल में मिलेगा एंड अक्टूबर में मिलेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, इक्वल टू राउंड डी ए एरियर मिलेगा हमें बेसिक प्लस डी ए मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल रेट ऑफ डी ए, डिफरेंशियल डियरनेस अलाउंस, दैट मीन्स करंट डियरनेस अलाउंस माइनस प्रीवियस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, एरियर देखिए, अगर या देखिए अप्रैल में नया कब हुआ था, रेट कब कौन सा अप्लीकेबल हुआ था, नया लगा था 51%, इससे पहले कौन सा मिला था हमें 45%। सो दिस, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशियल रेट, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये कितने महीने का मिलेगा, अप्रैल में हमें 3 महीने मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, एंड हमने राउंड फंक्शन यूज़ करा है, सो राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस एंड देन प्रेस ओके एंटर। सो ठीक है, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ डी ए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सेम दिस एप्लीकेबल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल रेट, नया रेट देखिए क्या था 58% माइनस प्रीवियस दैट इज 51% फॉर द 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स एंड राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस। क्लियर, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ डी ए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। नाउ कम टू नेक्स्ट दैट इज एच आर ए हाउस एंड अलाउंस। सर हाउस एंड अलाउंस देखिए पॉइंट क्या था, एच आर एज टू बी पेड एट 30% ऑफ बेसिक प्लस डी पी टू दोज होम एच आर ए पेबल इज येस। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, हमने देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसको हम यूज़ करेंगे, ये इक्वल टू यहाँ पर भी हमें राउंड फंक्शन करेगा, राउंड एंड इफ इफ दिस सेल, इफ दिस सेल इज इक्वल टू येस, अगर येस हुआ तो क्या होगा, 30% ऑफ बेसिक प्लस डी ए, बेसिक प्लस डी पी, ओके, अदरवाइज क्या होगा, अभी इफ फंक्शन चल रहा है, अदरवाइज क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब इफ फंक्शन को क्लोज करते हैं एंड देन राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस, क्लियर, नाउ प्रेस एंटर। ठीक है, तो क्या है, देखिए इफ दिस सेल इज येस, अगर येस हुआ तो क्या होगा, तो एच आर कितना मिलेगा, 30% ऑफ बेसिक प्लस डी पी, अदरवाइज नेल। ठीक है, एंड देन लास्ट हमने जीरो की अप्लाई किया फॉर द राउंड फंक्शन। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा, दैट इज दिस, ये हमने बी थ्री को हमें फिक्स करना होगा, डॉलर का साइन लगा देते हैं। ठीक है, एंड देन इसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं। ओके, सो दिस इज दी एच आर ए। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं, अगर हमने इसको नो कर दिया, देखिए ये नील हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू ट्रैवलिंग अलाउंस। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस कहता है, इट इज़ टू बी पेड एट ₹800 पर मंथ इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन ₹12,000, अदरवाइज टी ए इज ₹1,000 पर मंथ। ओके, अगर बेसिक सैलरी
12,000 से कम हुआ देन टी ए वुड बी 800, अदरवाइज इट वुड बी रुपीज 1,000। तो देखिए क्या यूज़ करेंगे हम, इफ फंक्शन यूज़ करेंगे हम, इक्वल टू इफ इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 12,000 देन टी ए वुड बी 800 अदरवाइज 1,000। सिंपल है, ठीक है, यहाँ तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने का देखिए हम कर सकते हैं, यहाँ पर सब बेसिक देखिए तो 12,000 से ऊपर ही है। अगर यहाँ पर हम चेंज कर दें वैल्यू, देखिए अगर हम बेसिक यहाँ पर चेंज कर दें, सपोज हम यहाँ पर वैल्यू लें 10,325, देखिए 800 हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो हमने क्या वैल्यू एज दी थी यहाँ पर 14,225। ना कम टू सिटी कंपनसेशन अलाउंस, इसमें ये देखिए सेम वही रूल अप्लाई करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ बेसिक सैलरी इज लेस देन 12,000 देन जे सी वुड बी 300 अदरवाइज 500। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 12,000 देन इट वुड बी 300 अदरवाइज 500। ओके, बस इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक है, ग्रोस क्या था, समेशन ऑफ ऑल, समेशन ऑफ बेसिक प्लस ऑल अलाउंसेस, सो इक्वल टू सम सम ऑफ ऑल दिस। अब इसको हम ड्रॉप डाउन कर देंगे। ओके, नाउ कम टू पीएफ, दैट इज प्रोविडेंट फंड। क्या था देखिए इसके लिए, प्रोविडेंट फंड कितना है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए डीपी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ रुपीज 2,000। क्या है, कौन सा फंक्शन करेंगे हम यहाँ पर, हम मैक्स, तो देखिए इक्वल टू 10% है बेसिक प्लस डीपी का, तो यहाँ पर हम राउंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू राउंड मैक्स मैक्स 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, इसका हमें क्या लेना है, 10% 10% होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट रुपीज, सॉरी मिनिमम अमाउंट रुपीज 2,000। ठीक है, ये हमारा मैक्स फंक्शन भी क्लोज हुआ है, अभी राउंड के लिए अप टू 0 डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर इसको हम डोंट ड्रॉप कर देंगे। ओके, ना कम टू आईटी, दैट इज इनकम टैक्स, 10% ऑफ ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पे आपको राउंड में चूज करना पड़ेगा, राउंड 10% ऑफ ग्रोस सैलरी राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेस। टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, देखिए पीएफ प्लस आईटी, सो इक्वल टू पीएफ प्लस आईटी नेट सैलरी क्या होगी, ग्रोस माइनस टोटल डिडक्शन, ग्रोस माइनस टोटल डिडक्शन, सो दिस विल बी नेट सैलरी। नीचे भी मैं देखिए यहाँ पर सम फंक्शन यूज कर लेंगे, इक्वल टू सम तो यहाँ देखिए टोटल हो गया। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। सो दिस इज दी अ कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन ऑन पेरोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल, सो प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।